नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। लांस क्लूजनर, नाम सुनते ही आपके दिमाग में साल 1999 के विश्व कप की याद ताजा हो गई होगी। इस विश्व कप ने क्लूजनर को एक तरफ दुनिया के लिए हीरो बना दिया था, तो वहीं टीम के लिए विलन। ये खिलाड़ी जितनी जल्दी मशहूर हुआ था, उतनी ही जल्दी इस खिलाड़ी का करियर भी खत्म हो गया। 4 सितंबर को क्लूजनर अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। बात 1996 की है, जब इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए क्लूजनर ने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस मैच में क्लूजनर कोई खास कमाल तो नहीं कर पाए थे, लेकिन इस मैच में उनकी गेंदबाजी ने यह बता दिया था कि ये खिलाड़ी आगे चलकर बड़ा कारनामा करेगा। इसके बाद 27 नवंबर 1996 को भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हुए क्लूजनर ने दूसरी पारी में 8 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था। क्लूजनर का अफ्रीकी टीम में रुतबा बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद 1999 के विश्व कप में क्लूजनर साउथ अफ्रीका के हीरो बनकर उभरे। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया। विश्व कप में उन्होंने 281 रन बनाए तो 17 विकेट भी लिए। उनकी बल्लेबाजी का औसत 140 से ऊपर का था। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट क्लूजनर का ही था। इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच हुए सबसे रोमांचक मैच में क्लूजनर ही थे जिसने अकेले अपने दम पर अफ्रीकी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। लेकिन पोलाक के रनआउट होने से अफ्रीका की विश्व कप जीतने की उम्मीदें धराशायी हो गई थी। इस विश्व कप में बेशक अफ्रीकी टीम हार गई हो, लेकिन क्लूजनर सबके चहेते बन गए थे। विश्व कप के बाद जब अफ्रीकी टीम वापस अपने देश लौटी तो क्लूजनर का स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ था। उसी समय क्लूजनर को नेल्सन मंडेला ने फोन किया, जिस पर टीम के साथियों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन जिस खिलाड़ी पर पूरे देश को नाज था, जो खिलाड़ी देखते ही देखते दुनिया भर में मशहूर हो गया था, वो टीम के लिए खतरा बन गया। बात साल 2003 की है, जब इंग्लैंड दौरे के लिए क्लूजनर को टीम से बाहर कर दिया गया। इस पर जब टीम के कप्तान स्मिथ से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे अपनी टीम में क्लूजनर को नहीं चाहते और वजह बताई कि क्लूजनर युवा खिलाड़ियों के लिए खतरा हैं। तब स्मिथ ने कहा था कि क्लूजनर एक अच्छे क्रिकेटर तो हैं, लेकिन टीम के रूप में वो योग्य नहीं है। लेकिन क्लूजनर का मानना था कि स्मिथ को उनसे डर लगता है। जाहिर तौर पर क्लूजनर उस वक्त कप्तानी के सबसे बड़े दावेदार थे, तो ऐसे में मौजूदा कप्तान के चहेते कैसे हो सकते थे। अजीब इत्तेफाक देखिए, क्लूजनर जिस टीम के स्टार खिलाड़ी हुआ करते थे, उसी टीम ने उन्हें खतरा बताकर बाहर कर दिया और एक तूफानी ऑलराउंडर का करियर जल्द ही खत्म हो गया। जब क्लूजनर को नजरअंदाज किया जाने लगा तो 2004 में क्लूजनर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।